यस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ओपियम एंड द इंडिगो जो सेंचुरीज में उगाया जा रहा था, जो ब्रिटिशर्स जो थे यूरोप के लिए उसको कल्टीवेट करना चाहते थे, उगाना चाहते थे, इस फसल के लिए उन लोगों ने क्या किया कि अफीम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं माना, लेकिन इंडिगो जो था उस समय में सबसे इंटरेस्टिंग क्रॉप माना जाता था, क्योंकि इंडिगो जो था वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव जिसे कहा जा सकता और डिमांड में जो चीज़ होती है वो माना जाता था। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, दोनों पिक्चर्स एक जो है इंडिया में बनाया गया था एंड सेकंड जो था इंग्लैंड में बनाया गया था, लेकिन इन दोनों प्रिंटिंग्स में एक चीज़ कॉमन है। इनमें क्या कॉमन है कि इनका जो कलर है उसमें ब्लू कलर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रहा है। इस कलर में क्या था कि जो इंडिगो जा था वो एक फेमस कलर या बहुत इंटरेस्टिंग कलर इसलिए माना जाता था क्योंकि जो इसका ब्राइटनेस था, शाइन था, वो यूरोपियंस के लिए बहुत डिमांड में था। यहाँ पर है डस्ट कलर हैव अ हिस्ट्री, या कलर की भी कोई हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिगर 5 और 6 आर टू इमेजेस ऑफ द कॉटन प्रिंट, कि यहाँ पर दो कॉटन के प्रिंट दिए हुए हैं। द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज आर द कमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय द वीवर्स इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ का बनाया हुआ प्रिंट प्रिंटिंग है? आंध्र प्रदेश का बनाया हुआ है। और दूसरा जो है वो फ्लोरल कॉटन प्रिंट है, यहाँ पर जो दिखाया फूलों वाला प्रिंट है। इसे किसने डिज़ाइन किया था? विलियम मॉरिस ने, जो फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के। तो देर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, कि इनमें टू थिंग्स जो थी जो कॉमन थी इन दोनों पेंटिंग्स में, वो कहती है रिच ब्लू कलर, कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू कलर इसमें जो था वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, इसे क्या कहते थे? इंडिगो। जैसे कि हम लोग अपने इंडिया में जैसे कहते हैं नील, इस नील से पहले क्या था? नीला कलर बनाया जाता था, जो एक रिचेस्ट कलर की पहचान माना जाता था। वही चीज़ें, डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड, इसे कैसे उगाया जाता था, कैसे प्राप्त किया जाता था, कैसे बनाया जाता था? द ब्लू दैट यू सी इन द प्रिंट ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल इंडिगो, कि एक पौधे से प्राप्त किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? इंडिगो बोला जाता था। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरियस प्रिंट 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया, कि ये जो फसल थी इंडिगो की ये केवल इंडिया में ही होती थी, और ब्रिटेनर्स जो थे वो 19th सेंचुरी में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने अपने यहाँ से इंडिया से ले जाकर इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करी। मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया, उस समय तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका कल्टिवेशन होता था, और इंडिया वॉज बिगेस्ट सप्लायर इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस समय हमारा इंडिया ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था इसका, जो हमारे यहाँ से इंडिया से इसको सप्लाई किया जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा आता है व्हाई द डिमांड फॉर इंडिगो इन इंडियन इंडिगो, कि इसकी डिमांड क्यों होती है, इस कलर की इतनी डिमांड क्यों होती थी। तो यहाँ पर बताया था इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स, यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रॉपिक्स जो लिखा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका जो पोर्शन होता है वो वार्म होता है, वार्म देशों में, मतलब जहाँ की जो जलवायु वार्म होती है वहाँ पर ये आसानी से उगता है। इसकी जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर वाला पोर्शन जो है, जिसे हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाय द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन द इटली, फ्रांस, ब्रिटेन एंड डाई क्लोथ्स। क्या होता था 13th सेंचुरी में इस कलर को जो है कपड़ों के लिए डाई करने के लिए यूज़ में लिया जाता था, सबसे मेनली इटली, ब्रिटेन एंड फ्रांस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ रिचेस्ट जो कंट्रीज थे वहाँ पर जो कपड़े बनाए जाते थे उनमें इनका यूज़ मोस्ट ऑफ किया जाता था। अब नेक्स्ट है हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स द प्राइस वाज वेरी हाई, कि जो पहुँचाया जाता था वहाँ पर यूरोप में उसका अमाउंट जो होता था, इंडियन इंडिगो जो रिचेस्ट था पर यूरोप मार्केट में उसको हाई प्राइस में बेचा जाता था बहुत ज़्यादा, और यूरोपियंस क्लोथ जो थे मैन्युफैक्चरिंग वाले जो कंपनी में जो कपड़ा बनाने वाले लोगों की फैक्ट्रीज थे उन मालिकों ने जो था वो डिपेंड थे अदर प्लांट पे वहाँ के, क्योंकि ये तो बहुत हाई क्वालिटी का था तो हाई रेट में ही जाता था, लेकिन वहाँ पर एक वॉर्ड वॉर्ड नाम का जो पौधा था उसको इसके लिए यूज़ किया जाता था जो टेम्परेट जोन में उगता था। कहाँ पर लगता था? जो टेम्परेट जोन में लगता था वो ज़्यादातर जो देश थे वो इसे यूज़ करते थे, किसकी जगह? इंडिगो की जगह। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट था, इसका जो असर था वो कपड़ों पर इतना ज़्यादा नहीं होता था, वो इतने ज़्यादा शाइनी और इतने ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते थे वॉर्ड से, जबकि इंडिगो से बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कलर प्राप्त होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर मिलता था एंड मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, और यूरोप में इजीली क्या मिल जाता था? इंडिगो नहीं मिलता था, जबकि क्या मिलता था? वॉर्ड मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन द नॉर्थन इटली, और ये वॉर्ड कहाँ कहाँ मिलता था?
नॉर्थन इटली में, साउथन फ्रांस में, और जर्मनी के कुछ, ब्रिटेन के और जर्मनी के जो पोर्शन है वहाँ पर ये मिल जाता था आसानी से। बट वरीड बाय द कॉम्पिटिशन वॉज इंडिगो वॉट प्रोड्यूस इन यूरोप प्रेसराइज टू गवर्नमेंट टू बैन टू द इम्पोर्ट इंडिगो। अब यहाँ तक ये कंडीशन आ गई थी जो यूरोप कंट्री के जो देश थे उन्होंने ये तक अपना बोल दिया था, इटली फ्रांस ने हमारी अपनी गवर्नमेंट को, कि आप जो है इंडिगो के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दीजिए, इसको प्रतिबंधित कर दीजिए हमारे देश में आने से। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो वॉर्ड जो है वो नहीं बिक पा रहा है, उस ब्रांड के जो कपड़े हैं वो हमारे मार्केट में डिमांड में नहीं होते हैं, लोग क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिगो वाली डाई के जो क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, इसलिए आप इसे क्या कर दीजिए, उनकी गवर्नमेंट को इन्होंने बोला कि हमारे लिए ये वॉर्ड वाले कपड़े जो हैं इन्हीं की डिमांड मार्केट में हो, इसलिए आप इंडिगो के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दीजिए। क्लोथ डायर हावेवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, जबकि जो क्लोथ डायर्स जो थे, जो कपड़ा बनाने वाले रंगने वाले जो लोग थे, वो लोग किसकी ज़्यादा, इंडिगो की ज़्यादा डिमांड करते थे, प्रेफर करते थे कि जहाँ तक हो सके हम लोग इंडिगो से ही कपड़े को बनाए। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, उससे क्या होता था जो कपड़े की कलर होता था वो बहुत रिचेस्ट, मतलब बहुत सुंदर और गहरे कलर के कपड़े बन जाते थे उससे डाई की करने से। एंड वॉज अ ब्लू डल, एंड वॉर्ड जो था वॉर्ड से इतना ज़्यादा रिचेस्ट कलर नहीं आता था, मैंने आपको बताया अभी कि उससे जो है इतना सुंदर इफेक्ट कपड़ों पर नहीं आ पाता था। एंड क्लोथ प्रोड्यूसर्स प्रेशर द गवर्नमेंट टू रिलैक्स इंडिगो इन सेंट डोमिनोज इन द कैरेबियन आइलैंड एंड द पुर्तगीज इन ब्राज़ील और इंग्लिश इन द जमैका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला इंडिगो प्लांटेशन आर कम फ्रॉम इन मैनी पार्ट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद में जो ये जगह के नाम है, यहाँ पर गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि थोड़ा रिलैक्स दिया किसे, लोगों को, और कहा कि ठीक है बैन कर देंगे इसको, इंडिगो को हम लोग बिल्कुल बैन कर रहे हैं। तो फ्रांस में इन सब जगह पर यहाँ पर बिल्कुल बैन कर दिया, लेकिन इसका प्लांटेशन किया गया, मतलब वहीं पर उसी देश में इसको कल्टीवेट करने की कोशिश की गई, फ्रांस में किया गया शुरुआत से। उसके बाद में जो है यहाँ पर पुर्तगीज़ ने ब्राज़ील में, इंग्लिश ने जमैका में और वेनेजुएला में इसको लगाना आरम्भ किया, और धीरे धीरे इनको, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था क्योंकि जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण की जो कंडीशंस थी वो इसके अनुरूप नहीं थी, इसलिए इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रो फर्दर। फिर अचानक 18th सेंचुरी में वापस जो भारतीय नील थी, जो इंडिगो जो था, उसकी डिमांड वापस बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गई। एंड ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड द कॉटन प्रोडक्शन डिपेंड ड्रामेटिकली और सर्टिन इन द एनोमीरियस न्यू डिमांड ऑफ द क्लोथ डाइज। और जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज थे, उनके मालिक थे, उनमें अचानक से बहुत ज़्यादा इसकी डाई की डिमांड होने लगी, कि क्लोथ्स जो था मार्केट में इसी डाई को डिमांड करने लगा। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज द एक्साइटिंग सप्लाईज फॉर द वेस्ट इंडीज अमेरिका सब कॉलपोस्ट अ वराइटी ऑफ द रीजन बिटवीन 1783 टू 1789 प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो वॉज अ वर्ल्ड फेल हाफ। कि इतना प्रोडक्शन हुआ लेकिन 83 में इसका प्रोडक्शन अचानक से कम कर दिया गया, क्योंकि वो बताया था मैंने अभी आपको कि एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, तो इसका प्रोडक्शन कम कर दिया। लेकिन बाद में इसलिए इसको कम किया गया क्योंकि लगभग जितना इंडिगो हमारे देश में कल्टीवेट किया जाता था, उगाया जाता था, उसका लगभग 95% जो है वो यूरोप में डिमांड की, यूरोप की डिमांड थी, वहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता था। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप द कंपनी इन इंडिगो इंडिया लुक फॉर वेज एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। कि जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जब देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि इंडिगो की इतनी डिमांड पूरे विश्व में है, तो हमें इसको खुद ही क्यों नहीं ले लेना चाहिए, हमें खुद को इसको कर लेना चाहिए, कल्टिवेट कर लेना चाहिए, ताकि हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर लिया, 18th सेंचुरी में आते आते बंगाल में जो है रैपिडली जो है डोमिनेट हो गया वर्ल्ड मार्केट में, ये इंडिगो का जो है वर्ल्ड डोमिनेट हो गया। एंड 1788 में लगभग 30% इंडिगो जो है इंपोर्ट होने लगा ब्रिटेन के लिए, और वो भी कहाँ से, इंडिया से। और लगभग 1810 में जो था प्रॉपरेशन हैड गॉन गो टू 95%, और मैंने अभी आपको बताया जिसका लगभग
पूरे विश्व का 95% जो था वो केवल और केवल यूरोप में ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग द इंडिगो प्रोडक्शन। अब लोगों ने जब देखा कि इंडिगो में इतनी ज़्यादा कमाई है, इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट पब्लिक ले रही है, दूसरे देश के लोग ले रहे हैं, तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया, इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें और आने वाले टाइम में हम लोगों को किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। तो ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिसर देयर लेफ्ट देयर जॉब्स टू टुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। उन्होंने क्या करा, अपनी अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ दी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों की नौकरियाँ छोड़ दी और उन्होंने क्या कर दिया, इसमें इंटरेस्ट लेने लगे इंडिगो बिजनेस में। एंड अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट टू हाई प्रॉफिट, और उससे क्या मिला, इनको भी अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। तो इसका अट्रैक्शन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, इन लोगों ने बैंक से लोन लिया, पैसा उधार लिया और उसके बाद में अपना ये जो इंडिगो बिजनेस स्टार्ट किया। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो उगाया कैसे जाता था। अब देखिए, इंडिगो का जो पौधा होता है बच्चों, वो एक ऐसा पौधा होता है, इसकी ऐसी पतली पतली जो होती है लीव्स होती हैं और एक पतला सा पौधा होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं उनसे जो है ब्लू कलर इंडिगो जो है नील निकाला जाता है और उसके बाद में कपड़ों पे उसको डाई किया जाता है और डाई करने के बाद में वो बहुत शाइनी दिखाई देता है। तो यहाँ लिखा है देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन। इसका कल्टीवेशन टू टाइप से किया गया था, एक तो नीच और एक रियोट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी दोनों सिस्टम। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड भी यहाँ पर है, देयर वॉज टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, टू मेन इंडिगो कल्टीवेशन था, एक तो नीच और एक रियोट। इसको आप लोग याद रखेंगे, एक नीच सिस्टम है, एक रियोट सिस्टम है। व्हेन द सिस्टम वाज नीच कल्टीवेशन, दे प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड्स ऑफ द डायरेक्टली कंट्रोल्ड। ये लोग क्या करते थे, नीच जो सिस्टम था उसमें जो कल्टिवेटर्स होते थे, जो प्लांटर्स होते थे, जो मालिक होते थे, वो लीज पर क्या ले लेते थे, कोई खेत ले लेते थे या कोई ज़मीन ले लेते थे और उस पर अपने जो मजदूर थे उनसे काम करवाते थे और मजदूरों को या तो उनका हिस्सा देते थे या उनको मजदूरी देकर और हायर कर लेते थे। और द प्रॉब्लम विथ नीच कल्टीवेशन, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि नीच था क्या, कि भाई इन्होंने लीज पे या किराए पे कोई खेत ले लिया, खेत लेकर उसमें नील की खेती करने लगे और खेती करने के बाद जो उसमें लेबर लगाते थे उनको पैसा दे देते थे, लेकिन इसका ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्या किया, द प्लांटर फाउंड द डिफिकल्ट टू एक्सपेंड देयर एरिया ऑफ द नीच कल्टीवेशन। अब इससे क्या हुआ कि जो प्लांटर्स जो थे वो जो थे डिफ़िकल्ट हो गया था उनके लिए कि नीच कल्टीवेशन, नीच कल्टीवेशन का यहाँ पर मतलब है कि जो लीज पर अपना खेत लेते थे दूसरों का तो उसमें प्लांटेशन करते थे, तो इनको इतना इफेक्टिव और इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो इंडिगो कुड बी द कल्टिवेटेड ऑन दिन द फर्टाइल लैंड, क्योंकि ये जो खेत लेते थे तो वो केवल और केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही जो है नील की खेती की जा सकती थी, बाकी जो अनुपजाऊ भूमि होती थी वहाँ पर इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ओनली स्मॉल प्लॉट स्ट्रेच ओवर द लैंडस्केप कुड बी द एक्वायर्ड। अब इन लोगों को क्या करना पड़ता था कि जो ज़मीन लेनी पड़ती थी उस पर केवल नील की खेती होती थी, उस पर और कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसका जो रूट होता है, जो नील इसका इंडिगो का जो पौधा होता है उसकी जो रूट होती है, जो उसकी जड़ होती है, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। वो गहरी होने की वजह से वो क्या ज़मीन के अंदर तक चली जाती है और फिर वहाँ पर 2-3 साल तक कुछ दूसरी खेती नहीं की जा सकती है। इसलिए ये भी जो नीच सिस्टम था, ये भी एक नीच कल्टीवेशन भी सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। और यहाँ पर लिखा है वेयर कुड बी द गेट सच लैंड फ्रॉम। अब लैंड्स की प्रॉब्लम आने लगी कि हम लोग, ये लोगों को लैंड ही नहीं मिल पाता था, तो अटेम्प्ट टू लीज द लैंड अराउंड इंडिगो फैक्ट्री एंड एविडेंस प्रेजेंस ऑफ द एरिया द ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड द टेंशन। अब जो खेत ये लोग चाहते थे कि हम लोग फैक्ट्रीज के पास में ही लें ताकि हमारा कल्टीवेशन जो है ईजीली हो सके, तो वो भी पॉसिबल नहीं था कि भाई कहीं मिल जाए कहीं ना मिले। तो फिर नॉर वॉज नेबर लेबर इजी मोबाइलिस, मजदूर भी बराबर काम के लिए मिल नहीं पाते थे। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ द हैंड ऑपरेट। अब उस ऑपरेट करने के लिए भाई खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी, वो भी नहीं मिल पाते थे, और लेबर जो है वो पैसा अपनी डिमांड के हिसाब से मांगते थे। तो ये भी एक नीच सिस्टम, जो नीच कल्टीवेशन था, ये अनसक्सेसफुली रहा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि नीच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल,
ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉग्स ऑफ द बुल्क्स. इसमें क्या होता था, नीच कल्टिवेशन में बहुत सारी बैलगाड़ियों की हल्की खेतों में काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, और वन बीघा इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड टू प्लग की एक बीघा ज़मीन को जोतने के लिए लगभग इंडिगो कल्टिवेशन के लिए दो तरह के हल की ज़रूरत पड़ती थी. तो क्या होता था, पार्टनर जो है 1000 बीघा के लिए 2000 प्लग्स काम में लेता था. तो इन्वेस्टिंग जो परचेजिंग था, अमाउंट जो था, मेंटेनेंस जो था, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता था. और इससे क्या है कि ये लोग इतना सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे. एंड यहाँ पर लिखा है टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयर फोर रेगुलेंट एक्सपेंड देयर अंडर नीच कल्टिवेशन लेस देन 25% लैंड प्रोडक्शन इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम. तो इससे क्या हुआ कि 25% ही जो प्रोडक्शन था वो सक्सेसफुली होता था, इसलिए ये नीच सिस्टम को नीच कल्टिवेशन जो था ये अनसक्सेसफुली रहा. उसके बाद आता है रियोट सिस्टम, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स. इसमें क्या होता था, उसमें तो जो प्लांटर जो था, मालिक जो होता था, जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाता था, वो अपना खेत मतलब किसी का खेत लीज पर लेता था, किराए पर लेता था, और उसके बाद अपना पैसा लगाकर खेतों में काम करवाता था. लेकिन जो रियोट सिस्टम थे, रियोट सिस्टम में ये था कि इसमें अंडर द रियोट सिस्टम द प्लांटर फोर्स द रियोट्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीमेंट. इसमें क्या कर देते थे ये लोग, फोर्सफुली दबाव से किसानों को अपने अंडर में लेते थे और उनसे एग्रीमेंट करवा लेते थे सत्ता का, जिसे सट्टा कहा जाता था. तो ये इसमें क्या करते थे, ये लोग फोर्सफुली इसको कहते कि साइन कर दीजिए और उसमें अपने खेतों पर काम करवाते. तो या तो उनको पैसे दे देते थे, और या फिर पैसा नहीं देते तो उसे कुछ परसेंट, 25% जो अमाउंट होता था इनके कल्टिवेशन का, वो उनको एज अ रेंट या एज ए उनका किराया समझ लीजिए, मजदूरी समझ लीजिए, उसके रूप में दे देते थे. तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको दो सिस्टम बताए हैं कि एक तो था नीच सिस्टम, नीच कल्टिवेशन, और दूसरा हो गया हमारा रियोट्स कल्टिवेशन. ठीक है, तो ये में इसमें तो था कि ये प्लांटर्स जो थे, मालिक जो होते थे, इस पर लीज पर या किराए पर ले लेते थे, और इसमें क्या होते थे, फोर्सफुली दबाव देते थे. अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा. यहाँ पर फोटो में देखिए आप लोग, दिखाई दे रहा है. व्हेन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट एंड न्यू लोन वॉज गिवन टू द रियोट्स. अब जब फसल पूरी हो जाती थी उस समय ये रियोट्स को क्या कर देते थे, लोन दे देते थे. अब लोन देने के बाद गिवन टू द रियोट्स द साइकिल स्टार्टेड ओवर अगेन, और वापस क्या हो जाता था, वापस फसल लगाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता था. एंड हु वर द आइडेंटिटी अटेम्प्ट टू द लॉस लोन सून रियलाइज एंड द हर्ष ऑफ द सिस्टम वॉज. अब इससे क्या होता था, वापस ये लोन लेते, इनका पैसा पे नहीं हो पाता था, अब पे नहीं हो पाता था तो इन लोगों को कोई प्रॉफिट मिल नहीं रहा था. तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये उग्रवादी हो गए, ये लोग टेंशन में आ गए और बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, विद्रोह की स्थिति सामने आने लगी. देयर अदर प्रॉब्लम्स टू द प्लांटर्स यूजली इंसिस्ट टू द अदर इंडिगो एंड बेस्ट सॉइल इन द विच द प्लांटर्स प्रेफर टू द कल्टिवेट राइस. अब इससे क्या था, जो ये ज़मीनें जो इन लोगों ने दबाव से ले रखी थी, किससे, इनसे, कल्टीवेटर्स से, तो इसमें क्या था कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसकी इंडिगो की रूट जो होती थी, इस पौधे की जो जड़ थी वो बहुत गहरी होती थी, उससे क्या होता था, और दूसरी फसल राइस उगाना भी मुश्किल होता था, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन होता था, तो वो भी लगना मुश्किल हो जाता था. तो उसकी वजह से क्या होता था कि पूरी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती थी. तो इन लोगों ने इस बात को बोला कि हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो अब क्या होगा कि हमारा जो है आगे का किस तरीके से जीवन चलेगा, क्योंकि अगर हम लोगों को राइस नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो हम लोग कैसे अपनी लाइफ को चलाएंगे. ओके बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहे तो आप लोग NCERT सॉल्यूशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और बुक के जो पीछे से क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे आपको करना इम्पॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू.